आज महाशिवरात्रि का पर्व है और धरती पर भगवान शिव के जो असली स्वरूप है वो पेड़ पौधे हैं, वो नदियां हैं, वो तमाम तरीके के प्राणी हैं, गौवंश है। भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे वातावरण से जहर को पी लिया था, हमारी रक्षा की थी। आज ये जो पेड़ है ये भी सारे प्रदूषण को सोख कर हमारी रक्षा करते हैं। नंदी उनके प्रिय है, नदियां उनकी प्रिय है, उनकी जटाओं से ही निकलती है। और आज हमने भगवान के इन सभी स्वरूपों को बहुत ज्यादा बर्बाद करके रखा है, तो भगवान हमसे खुश कैसे होंगे? तो सभी से निवेदन है कि भगवान का अभिषेक तो किया जाए, लेकिन साथ में जो भगवान के असली स्वरूप है, पेड़ है, नदियां हैं, गौवंश है, उनके बारे में चिंता की जाए। आज दूध की अनियंत्रित लालच के लिए जबरदस्ती गाय भैंस के एक के बाद एक बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। गाय का 16-17 साल में 8 से 12 बच्चा, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि उन सबको रखकर पूरे जीवन खिलाएगा। नतीजा क्या है? सारी भैंसे कसाई को सारे गौवंश छुट्टा छोड़ दिए जा रहे हैं, वो खुद मर रहे हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है, सारी समस्याएं हो रही है। तो हमें इस अनियंत्रित जनसंख्या दर जो है, हमें इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। वो तभी होगा जब हम डेयरी उत्पादों की मांग कम करेंगे, बंद करेंगे। दूसरा, पेड़ लगातार एक के बाद एक पेड़ काटे जा रहे हैं, तो भगवान शिव के स्वरूप के पेड़ है वो काटे जा रहे हैं, तो भगवान कैसे खुश होंगे? नदियों की हालत देखिए, गोंडा में टेढ़ी नदी है, सरयू नदी है, सबकी हाल हमने खराब कर रखा है। तो हमें अगर लगता है कि भगवान कि हमें पूजा करनी चाहिए, तो हम लोग इन तमाम चीजों को बचाने के लिए भी आगे आए, घूमने आए, इसीलिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं आप लोगों के बीच में, ताकि ये बातें जो सब लोग भूल चुके हैं हम लोग इसको याद दिला सके और आप लोग इस पर चिंता कर सके। इसलिए की तरह